So industry 4.0 actually, which we which some of our industries still need to adopt, was actually focused on product centric AI, and now there is human centric AI in which the cobots, big data, cloud computing mein aur automation, robotics aur isi tarah satellites aur GIS technology mein, genomics mein aur applied mathematics mein jo ke buniyad hai big data aur ye artificial intelligence ki जिसके ऊपर ये सारी फाउंडेशन बनती है, तो ये हमने एक जाल बनाया था नेशनल सेंटर्स का, और हर नेशनल सेंटर के साथ 8 से 10 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में लैब्स को एसोसिएट किया था जहाँ जहाँ पर हमारे पास इसका ह्यूमन रिसोर्स मौजूद था। तो गुज़श्ता 5-6 सालों में इस सफ़र में इन तमाम सेंटर्स ने एक बुनियाद कायम कर दी पाकिस्तान में इन शोबों की। अगर खुदा ना खास्ता उस वक्त ये सेंटर्स ना कायम हुए होते तो आज हम बहुत पीछे होते। तो सबसे पहले तो ये सेंटर्स यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने बेसिक इकोसिस्टम बनाने में मदद की। आज हमारे पास एक क्रिटिकल मास है ह्यूमन रिसोर्स का, हमारे करिकुलम्स बन चुके हैं, हमारा इस इन शोबों के अंदर स्टार्टअप्स जो हैं वो मार्ज़े वजूद में आ रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ अभी बड़ी इन्फेंसी में है और हमें बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ना है। जब हम ये काम कर रहे थे तो उस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कटिंग एज थी। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आ चुकी है, और वो इसका भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस मॉडल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक बेसिक डेटा के साथ पैटर्न आइडेंटिफिकेशन या फोरकास्टिंग करती थी या उस डेटा को यूज़ करती थी। अब जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट्स न्यू डेटा एंड न्यू डेटा पैटर्न्स, एंड नॉट ओनली देयर बट वी आर इनटू डिफरेंट फील्ड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेदर इट इज़ AGI और ASI। तो अब इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं और इसमें बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ हो रही है। तो लिहाजा हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम नॉर्मल स्पीड के साथ नहीं, बल्कि अगर हमने पाकिस्तान को इस दुनिया में जो नई मॉडर्न डिजिटल इकॉनमीज़ हैं उनके साथ चलाना है तो हमें रेवोल्यूशनरी तरीके से, ट्रांसफॉर्मेटिव तरीके से एडॉप्शन के तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे, और इसके लिए एक बुनियादी खाका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेशनल टास्क फोर्स ने तमाम स्टेक होल्डर्स के ज़रिए बनाया है, मैं समझता हूँ कि अब इसको हमें जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनसे शेयर करना चाहिए, जिसमें के सूबे बहुत अहम हैं। जैसे मैंने कहा कि इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा निज़ाम तालीम के अंदर है, कि तालीम के अंदर आप इसको इस्तेमाल करके बहुत टेलर मेड प्रोग्राम्स बना सकते हैं, आप स्टूडेंट्स की जो ज़रूरियात है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके साथ पूरी एजुकेशन और लर्निंग को टेलर मेड कर सकते हैं। हेल्थ केयर के अंदर इसकी बहुत एप्लीकेशन है, इसी तरह एग्रीकल्चर के अंदर बहुत हैवी हम डिविडेंड्स ले सकते हैं इसके इस्तेमाल करके। इंडस्ट्री पूरी ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस से गुजर रही है, हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के लॉसेस को हम बहुत ज़्यादा काट सकते हैं, रिस्क असेसमेंट बेहतर हो सकती है, फाइनेंसिंग नीड्स का बेहतर अंदाज़ा हो सकता है। तो ये बेशुमार एप्लीकेशंस हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल है, जिसमें सूबाई हुकूमतों का रोल है और जिसमें हुकूमत के अपने इदारों का एक बेहद अहम रोल है। तो अब हमें इसको फौरी तौर पर एक कंसल्टेशन के ज़रिए फाइनल वर्कशॉप मैं समझता हूँ एक करनी चाहिए, जिनके सामने ये हम ड्राफ्ट AI नेशनल प्लान रखें और उस फाइनल कंसल्टेशन के साथ इसको कैबिनेट से अप्रूव करके हम इस पर इम्प्लीमेंटेशन वॉर फुटिंग के ऊपर शुरू करें। और इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं, जिनमें कई को मैंने आइडेंटिफाई किया लिंक्डइन के ज़रिए या वो मेरे रबते में आए, तो उन्हें भी मैंने कहा कि आप हमारी इस मामले में रहनुमाई करें, जो आपका बैन अल अक्वामी तजुर्बा है वो पीछे बैक होम यू मस्ट शेयर
वेतास, तो उन लोगों के साथ भी इस पॉलिसी को आप शेयर कीजिए ताकि उनकी भी इनपुट आए। और हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तरक्की का एज प्लानिंग मिनिस्टर ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो हमारा मुस्तकबिल का नक्शा है वो 20वीं सदी के मॉडल पे ना हो, वो 21वीं सदी के जो ड्राइवर्स हैं, जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से अब आगे दुनिया पोस्ट फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जा रही है, जिस तरह 5G टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास आई नहीं लेकिन चाइना 6G के ऊपर काम कर रहा है, और ख़ास तौर पे चाइना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। मैं अभी उनके जब हालिया दौरे पे था तो वज़ीर तालीम मुझे कह रहे थे कि हमारे लिए तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ टुडे, हमने इसमें दाखिल हो चुके हैं और हर सतह पे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से जहाँ तालीम में तआवुन का ज़िक्र किया तो पर्टिकुलरली इस शोबे को उन्होंने हाईलाइट किया कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को इस शोबे में डेवलप करना चाहते हैं। तो चीन की वजारत तालीम ने ख़ास तौर पे हमारे साथ ज़िक्र किया कि हमें सदर की हदायत हैं कि हम किस तरह इस शोबे में आपके ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर हायर एजुकेशन कमीशन के ज़रिए, चाइना ने एक वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया है, हम भी उसके साथ बैठकर अपने जो मुस्तकबिल की ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स हैं उनके जो लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक चिंगवा यूनिवर्सिटी एंड मैनी अदर जो कि आज दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हैं और टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं, उनके साथ मिलकर AI एडॉप्शन और AI ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट में लिंकेजेस कायम करें। मुझे थोड़ा सा ये सुनकर हैरत हुई और अफसोस हुआ कि कुछ ममालिक जो हैं वो हमारे बच्चों को और बच्चियों को जिनके पास स्कॉलरशिप्स हैं PhD के, उनको वीज़ाज नहीं दे रहे, उनको जाने नहीं दे रहे। क्या वो हमें इस टेक्नोलॉजी से रोकना चाहते हैं या क्या वजह है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हैरत ज़दा हूँ कि कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट्स के जिनके पास दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं उनको वीज़ाज डिले किए जा रहे हैं। तो शायद कुछ ममालिक इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस सूरत में हमारे पास चीन जैसा काबिल एतमाद दोस्त है, हम उसके साथ मिलकर इस कमी को पूरा कर सकते हैं और हमें हंगामी तौर पे इसके लिए कदम उठाना चाहिए। हुवावे ने अभी वज़ीर आज़म साहब के दौरे पे जब वहाँ पर उनके हेडक्वार्टर का दौरा हुआ तो प्राइम मिनिस्टर की दरख्वास्त पे 2 लाख नौजवानों को सालाना IT स्किल्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का वादा किया। तो मैं चाहता हूं कि उस पर भी आपका जो सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम है आप फौरी तौर पे हुवावे के साथ कोऑर्डिनेट करें ताकि उनके जो 2 लाख नौजवानों को उन्होंने ट्रेन करना है उसमें ये AI की जो सर्टिफिकेशन आपने बनाई है हम इसको उसके अंदर शामिल कर सकें ताकि ये नौजवान उस ट्रेनिंग को लेने के बाद फिर प्रोडक्टिव डिजिटल वर्कफोर्स के तौर पे मुल्क के लिए कारामद हों या ख़ुद काम करें या बाहर जाके काम करें। अब तो अपने मुल्क से ये काम कर सकते हैं और पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी ए 3rd biggest e-lancing country एंड वी आर प्राउड ऑफ आर यूथ कि हमारे